हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, काफ़ी सारे Realme Narzo 30 Pro 5G यूजर्स वेट कर रहे थे कि उनके डिवाइस में Android 12 बेस्ड Realme Y 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो फाइनली Realme Narzo 30 Pro 5G डिवाइस में Android 12 बेस्ड Realme Y 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट इंडिया के अंदर रोल आउट होना स्टार्ट हो गया। एंड आज के इस वीडियो में Realme Y 3.0 अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म को आप अपने डिवाइस में कैसे अप्लाई करोगे, स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही इस बीटा अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए आपके डिवाइस में कौन सा लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, साथ ही किन यूजर्स को इस बीटा अपडेट को अप्लाई करना चाहिए एंड किन यूजर्स को इस बीटा अपडेट को मिस कर देना चाहिए, सभी के बारे में आगे वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं Realme Narzo 30 Pro 5G डिवाइस के Android 12 बेस्ड Realme Y 3.0 अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट के बारे में। तो इस बीटा अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले आपको आपके डिवाइस के सेटिंग्स और ऑप्शन में चले जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है एंड वहां पर आपको आपके डिवाइस को C.11 या फिर C.12 के लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल करके रख लेना है, तभी आपके डिवाइस में Android 12 बेस्ड Realme Y 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने डिवाइस में कोई इंपॉर्टेंट वर्क करते हो तो आपको ये बीटा अपडेट को बिल्कुल ही मिस कर देना है और आपको ऑफिशियल अपडेट का वेट करना है, क्योंकि इस बीटा अपडेट के बाद आपके डिवाइस में हीटिंग इशू, बैटरी ड्रेन, नेटवर्क इशू, हैंगिंग इशू जैसे काफी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, जिन यूजर्स को Realme Y 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट को इंस्टॉल करना है तो मैं आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो दोस्तों, आपको यहां पे सबसे पहले सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है एंड वहां पर राइट कॉर्नर में आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है एंड इसके बाद ही आपको ट्रायल वर्जन देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको अर्ली एक्सेस देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको क्लिक कर देना है। फिर कुछ सेकंड्स के बाद एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को आपको अपने ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से अप्लाई कर देना है एंड जैसे ही आप फॉर्म को अप्लाई कर देंगे आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा एंड आपका फॉर्म यहाँ पे 1 से 2 दिन के अंदर पास्ट कर दिया जाएगा। एंड इसके बाद आपके डिवाइस के सॉफ्टवेयर अपडेट के सेक्शन में Android 12 बेस्ड Realme Y 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट देखने को मिलेगा। बट दोस्तों, इस बीटा अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले आपके डिवाइस में जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसे आपको कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि इस अपडेट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपका सारा डाटा क्लियर हो सकता है। इसके अलावा आपके डिवाइस में इस बीटा अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 10GB की फ्री मेमोरी होनी चाहिए, साथ ही आपका डिवाइस 60% चार्ज होना चाहिए, तभी जाकर आप अपने डिवाइस में Realme Y 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों, बस यही सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई थी जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूं। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।